एक ही पावर x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। कीजिए जैसे आपने अभी तक सीखा वही चीज, पहले हम इसको मान लेते हैं y बराबर a की पावर x, फिर दोनों पक्षों में log लेने पर लिख दो, दोनों पक्षों में log लेने पर तो कितना हो जाएगा, log y बराबर log a की पावर x। यहां तक अब जो चीज घात में होती है लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि ये चीज आपकी आगे आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, लॉग वाई बराबर एक्स लॉग ए, ठीक है। अब इसका अवकलन लिख दीजिए, अवकलन करने पर किसके सापेक्ष, लिखना चाहो पूरी बात लिख दो, एक्स के सापेक्ष, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो कर दीजिए कितना हो जाएगा, इसको आप ऐसे समझो कि ये एक्स है, दिमाग में सोचो एक्स, तो लॉग एक्स का क्या होता है, वन अपॉन एक्स होता है, तो वन अपॉन एक्स, तो एक्स की जगह पे क्या है, वाई है। जब कभी भी एक्स की जगह पे कोई और वर्ड आने लगे तो उसका दोबारा से अवकलन करना पड़ता है, मीन्स ये कि जो चीज़ हम दिमाग में सोचते हैं कि ये एक्स है उसका फिर दोबारा करना पड़ेगा, तो इसका कीजिए कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स। और ये देखिएगा, आपको ऐसा लग रहा है कि ये दो पार्ट हैं, ये पहला पार्ट ये दूसरा पार्ट, लेकिन ऐसा नहीं है, ये अपने आप में कॉन्स्टेंट राशि है और कॉन्स्टेंट अपना बाहर होता है, और एक्स का करेंगे तो एक्स का अवकलन वन होता है, तो काफ़ी दिन से चिक चिक के बाद चल रही है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इधर वाई इधर चला जाएगा, तो वाई लॉग ए हो जाएगा। और यहाँ पे लिख दोगे वाई का मान रखने पर, तो वाई का मान रखोगे तो कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, वाई की वैल्यू कितनी है, ए की पावर एक्स लॉग ए। ये और ये वैसे भी एक फॉर्मूला होता है, हमने डायरेक्ट बताया था कि ए की पावर एक्स यदि करने लगो तो ये डायरेक्ट होता है फॉर्मूला, क्लियर है।